हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज मैं हम लोग बात करने वाले हैं बिहार आईटीआई का जो है फर्स्ट राउंड सीट अलॉटमेंट जो है ऑर्डर जो है डाउनलोड करने का ऑप्शन आ चुका है दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले जाइए आप लोग वेबसाइट पे, ऑफिशियल वेबसाइट पे बीसीसी बोर्ड के, तो इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप लोग को आना है तो आप लोग जा करके डिस्क्रिप्शन से लिंक पर क्लिक कीजिए और जो है बीसीसी बोर्ड के ऑफिशियल पर आने के बाद दोस्तों देख सकते हैं फर्स्ट जो है लिंक है डाउनलोड फर्स्ट राउंड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर ऑफ आईटीआई कैट 2024। तो इसी लिंक पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा दोस्तों तो आप लोग का आगे का प्रोसेस होगा। तो ये प्रोसेस हम लोग आगे वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों अभी तक जो है कोई भी स्टूडेंट का डाउनलोड नहीं किए हैं, तो इसी कारण से जो है पूरा प्रोसेस नहीं जान पाए हैं। तो इसलिए आप लोग को सभी को निवेदन है कि जो भी करना है वो वीडियो देख कर ही करें, अगला वीडियो देख कर ही, क्योंकि दोस्तों आप लोग को अगर फर्स्ट राउंड में सीट अलॉटमेंट ऑर्डर जारी हुआ है आप लोग का, तो ज़रूर आप लोग को काउंसलिंग करवाना होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना जाना होगा। तो आप लोग को अगर कॉलेज और ट्रेड पसंद है दोस्तों, तो इसके लिए जो है ऑप्शन होता है सबमिट विलिंगनेस का, ये सोच समझ के करना है दोस्तों, नहीं तो आप लोग को काफ़ी उलझन में पड़ जाइएगा। जैसा कि आप लोग को दो ऑप्शन होता है, एक ऑप्शन होता है फ्रेज का और एक ऑप्शन होता है दोस्तों ऑटो अपग्रेशन यस का। तो ऑटो अपग्रेशन यस कर दीजिएगा दोस्तों, तो आप लोग को दो बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। फर्स्ट राउंड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा और सेकंड राउंड में भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा दोस्तों। तो ये ध्यान देते हुए आप लोग कीजिएगा। अगर ट्रेड अच्छा है दोस्तों तो एडमिशन ले लीजिए। और एक होता है मॉपअप काउंसिलिंग, जो कि तीसरा राउंड में होता है। इसमें जाकर के आप लोग जाकर के चेंज करवा सकते हैं कॉलेज को और ट्रेड को। तो ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट। तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आप लोग को मिलते हैं अगले वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।